भाइयों क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता है कि आप सब ठीक होंगे और बढ़िया से होंगे। सो दोस्तों, आप लोगों ने जो स्टार्टिंग में प्रीव्यू देखे बारिश स्पेशल का डीजे स्टेटस वीडियो 12/7 के दिन आए, मैं आप सभी के लिए इस संग के ऊपर डीजे स्टेटस का ट्यूटोरियल लेकर के आ गया जो आप सभी ने स्टार्टिंग में प्रीव्यू देख लिए है। ओके दोस्तों, बारिश का सीजन भी आ गया था, कई लोग भाइयों को कमेंट भी आया था कि भैया आप बारिश के सीजन के ऊपर वीडियो बना करके हम लोग का ट्यूटोरियल दीजिए। तो मैंने आप सभी के लिए इसके ऊपर ट्यूटोरियल लेकर के आ गया जो आप सभी ने स्टार्टिंग में प्रीव्यू देख लिए। ओके, अगर आप लोग कुछ इस प्रकार का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते तो आप सभी इस वीडियो को पूरे ध्यान से एंड तक देखिएगा। तो चलिए अब हम यहाँ से वीडियो को बिना देर किए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को करना क्या, अपने मोबाइल में से काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मैंने पहले से काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करके रखा हूँ। तो अब दोस्तों आप लोगों को इस पहले स्क्रीन पे टच करना होगा। उसके बाद साइड के ऊपर में कोने में देख सकते जो इंपोर्ट है, इस इंपोर्ट पे क्लिक करना होगा। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद अब आप सभी मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और वहां पर आप सभी को दोस्तों एक लिंक मिलेगा सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट। ओके, तो आप लोगों को दोस्तों पहले उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जो आप लोग देख सकते हैं आप सभी को जो है मोबाइल के काइनमास्टर आप सभी को जो है फाइल में आ जाएगा सॉन्ग बीट मार्क इस प्रकार का। ठीक है, तो आप लोग उस पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक कर देते ही आप सभी के मोबाइल के काइनमास्टर के एप्लीकेशन में ये प्रोजेक्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार का नहीं किस तरीके खुल करके आ जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों आप सभी को यहाँ से करना क्या है, बस वीडियो को ध्यान से देखना और एक भी पार्ट को आप लोग को दोस्तों स्किप नहीं करना, वरना आप सभी को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखें। यहाँ पर देख सकते जो बीट मार्क प्रोजेक्ट में यहाँ पर मैं बनाया हूँ, आप लोगों को यहाँ पर सॉन्ग वगैरह म्यूजिक वगैरह कुछ भी दिखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा किस तरीके से सारा इफेक्ट को क्रिएट करना है और म्यूजिक को कैसे एड करना है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। यार आप सभी के लिए इतना मैं मेहनत करता हूँ, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते यार, मज़ा नहीं आता है। आप सभी वीडियो के पहले एक लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो अब चलिए दोस्तों यहाँ से हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को दोस्तों इस प्रकार के कुछ से आप लोग कुछ इस तरीके से आगे आ जाना। ठीक है, देख सकते हैं फ्रेंड्स जहाँ से जो हमारा छोटा छोटा बीट है 20.374 सेकंड पर आ जाना। ठीक है, उसके बाद ब्लैक बैकग्राउंड पर टच करना है, रिप्लेस के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आप लोग अपने फोटो वाले के गैलरी में जाकर के इस प्रकार से फोटो को रिप्लेस कर दीजिएगा। फिर से अगला ब्लैक बैकग्राउंड पर टच करके रिप्लेस में जाना, आप सभी को फोटो वाले के गैलरी में जाकर के फोटो को रिप्लेस करना है। फिर से अगला ब्लैक बैकग्राउंड पर टच करना है और रिप्लेस में आप सभी को जाना है, इस प्रकार से फोटो को रिप्लेस कर देना। ठीक है, तो अब दोस्तों आप सभी को कुछ इसी तरीके से अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जितना आप लोग ब्लैक बैकग्राउंड दिखने को आप सभी को यहाँ पर मिल रहा है, इन सभी पर दोस्तों आप सभी को फोटो को रिप्लेस कर देना होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इतना काम तो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाक से मैं इन सभी ब्लैक बैकग्राउंड में फोटो को रिप्लेस कर लेता हूँ और इस काम को मैं थोड़ा सा स्किप कर दे रहा हूँ। सो ओके, फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं जितना जो ब्लैक बैकग्राउंड था सही पर मैंने फोटो को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब दोस्तों अब आप सभी को करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से आप सभी देखिएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को जितना जो फोटो आप लोगों ने जो ने रिप्लेस किया था उन सभी पर पहले आप लोगों को क्लिप ग्राफी को एड कर लेना। ठीक है, बाद ही बाकी का जो यहाँ पर लिरिक्स वगैरह है को एड करना है, म्यूजिक को एड करना है, मैं आप लोगों को वो प्रोसेस बाद में बता दूंगा। पहले आप लोग यहाँ पर ये देख लीजिएगा यहाँ पर कौन सा क्लिप ग्राफी को एड करना है। तो उसके लिए आप लोग को दोनों उंगलियों पकड़ के इस प्रकार से जूम करना है और पहले वाले फोटो पर टच करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, गुड बाय बैज में जाके 3 नंबर को लगाना। फिर से अगला फोटो टच करके क्लिप ग्राफिक्स में जाके गुड बाय बैज में जाके 3 नंबर को लगाना। ठीक है, तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ से कुछ 4 फोटो पर जो देख सकते जो स्टार्टिंग का 4 फोटो आ रहा है, इन 4 फोटो पर आप लोग गुड बाय बैज के क्लिप ग्राफिक्स में जाके 3 नंबर को लगाना। ठीक है, उसके बाद जो 4 फोटो के बाद 5वां फोटो आ रहा है, 5वां, 6वां और 7वां, आप लोगों को इन 3 फोटो पर आप लोगों को करना क्या है, क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना और दोस्तों आप लोगों को स्वीट लाइज में जाकर के 11 नंबर वाले को क्लिप ग्राफी को लगाना। ठीक है, तो आप लोगों को इन 3 फोटो पर स्वीट लाइज में जाकर के 11 नंबर वाले को क्लिप ग्राफी आप सभी को लगा देना होगा। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर 3 फोटो पर जो है लगा लिया हूँ। लगाने के बाद अब दोस्तों आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पर देख सकते अब जो फोटो लास्ट में जितना जो बचा है 22.844 सेकंड के बाद जब जितना फोटो लास्ट में आ रहा है उन फोटो पर आप लोगों को टच करके क्लिप ग्राफिक्स में देना है। और दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं मूवमेंट का क्लिप ग्राफिक्स इसमें जाके 3 नंबर को लगाना। फिर से अगला इमेज पर टच कर देना है और आप लोगों को दोस्तों मूवमेंट में जाकर के इस प्रकार से देख सकते हैं और 3 नंबर को लगा देना। ठीक है, तो दोस्तों अब आप लोग कुछ इसी प्रकार से इसी तरीके से अब लास्ट में जितना जो फोटो बचा है सभी पर मूवमेंट में जाकर 3 नंबर वाले को क्लिप ग्राफिक्स इन सभी फोटो पर आप लोगों को लगा देना होगा। ठीक है, लगाने के बाद अब दोस्तों आप लोगों को वीडियो को इस तरीके से स्टार्टिंग में आ देना। ठीक है, आने के बाद
अब आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो में साउंड यानी म्यूजिक को ऐड करना और साथ ही साथ लिरिक्स वीडियो को भी ऐड करना है। ओके, तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक कर देना है और दोस्तों आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा जो है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसमें लिखा रहेगा सॉन्ग प्लस लिरिक्स वीडियो, ठीक है। तो आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन से आप लोग डाउनलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो सर दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार का मैंने बनाया हूँ, बहुत दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, आप सभी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो लिरिक्स प्लस सॉन्ग वीडियो को ऐड कर दिया हूँ। ऐड हो जाने के बाद अब दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले करना क्या होगा, इसी लिरिक्स वाले वीडियो पर टच करके इसको स्प्लिट स्क्रीन में जाकर फुल स्क्रीन में कर देना है, बैक जाना है। नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को एक्सट्रेट ऑडियो का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, होगा तो इस पर क्लिक करके पहले आप लोगों को ऑडियो को बाहर निकाल देना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब आप लोगों को इस ग्रीन स्क्रीन के लास्ट में इस प्रकार से आ जाना है और इस लिरिक्स वाले वीडियो पर टच करके कैंची पर टच करके इसको स्प्लिट इस प्रकार से कर देना है, ठीक है। करने के बाद अब दोस्तों आप लोग कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं जो ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है इसको लास्ट में आ जाना, यानी कि 20.373 सेकेंड पर आना है और इस लिरिक्स वाले वीडियो जो है उस पर टच करके कैची पर टच करके इसको ट्रिम राइट कर लेना है इस प्रकार से, ठीक है। इतना होने के बाद अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसमें आप लोगों को फोटो को ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले इस इफेक्ट पर टच कर देना होगा, जाने की लिरिक्स वाला वीडियो था उस पर टच कर देना है और क्रोमा की में आप लोगों को इस प्रकार से चले जाना होगा, देख सकते हैं क्रोमा की में जाना है और दोस्तों इसको इनेबल कर लेना, ठीक है। इनेबल हो जाने के बाद की कलर में जा करके इसको दोस्तों आप लोग इस कलर को आप लोग को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ब्लू कलर को आप लोग को सिलेक्ट करना है, उसके बाद टिक पर क्लिक करना है। टिक पर क्लिक करने के बाद दोनों को आप लोग को 50-50 यानी कि 50-50 पे रखना है। इतना होने के बाद आप लोगों को जहाँ से इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर आ जाना है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों को कोई भी एक फोटो को ऐड कर दीजिएगा जिसके फोटोस आप लोग बनाना चाहते हो। देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने फोटो को ऐड कर लिया। फोटो ऐड हो जाने के बाद सबसे पहले इस फोटो का ड्यूरेशन कुछ इस प्रकार से इस इफेक्ट तक आप लोग इस तरीके से कर देना है। करने के बाद थ्री लाइन पर क्लिक करके इसको सेंड टू बैक में इस तरीके से करना है और थोड़ा सा फोटो को जूम आउट यानी कि छोटा करके इस प्रकार से इस बॉक्स में आप लोगों को इस तरीके से सेट करना है, ठीक है। सेट हो जाने के बाद आप लोग को फिर से थ्री लाइन पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट निकाल देना है, फिर से आप लोग को थ्री लाइन पर क्लिक करके इसको भी सेंड टू बैक में इस तरीके से कर देना, ठीक है। करने के बाद आप लोग यहाँ पर इन फोटो का दो लेयर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो पहले बार लेयर पर टच करना है, ओवरऑल एनिमेशन में जाकर के आप लोग इसको फ्लिकर पे क्लिक कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पर फ्लिकर पे मैंने कर दिया हूँ। उसके बाद दूसरे वाले फोटो के लेयर पर टच करना है और ओवरऑल में जाना है और आप लोग को फॉल्स वाले को आप लोग इस प्रकार से सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। फॉल्स वाले सिलेक्ट करते देख सकते हैं आप सभी को फोटो में कुछ इस प्रकार का इफेक्ट आ जाएगा। आने के बाद अब दोस्तों आप लोगों को वीडियो को स्टार्टिंग में इस प्रकार से जाना होगा, ठीक है। जाने के बाद लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों को एक रेन ड्रॉप प्लस वाटर ड्रॉप वाले वीडियो को एडिट करना है। देख सकते दोस्तों आप लोगों को कुछ इस प्रकार का दिखने को मिलेगा, तो आप लोग इसका भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते दोस्तों यहाँ पर मैंने इसे रेन ड्रॉप और वाटर ड्रॉप वाले वीडियो को भी एड कर लिया। एड हो जाने के बाद अब आप लोगों को स्प्लिट स्क्रीन में जाकर इसको फुल स्क्रीन में कर देना होगा और बैक जाना है ब्लेंडिंग में और ब्लेंडिंग में जाने के बाद इसको आप लोगों को इस प्रकार से स्क्रीन करना है, ठीक है। स्क्रीन होने के बाद यहाँ पर जैसे तो कुछ इस प्रकार का आप लोगों को इफेक्ट में आ जाएगा। आने के बाद इसी रेनडो वाले वीडियो पर टच करना है, थ्री लाइन पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट निकाल देना है और दोस्तों आप लोगों को इसको खींच करके आप लोगों को जो है यहाँ से जहाँ से कम हो रहा है वहाँ पर आप लोग को यहाँ से आप लोगों को लगा देना होगा, ठीक है। लगाने के बाद अब दोस्तों आप लोग फिर से देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में फिर से कम हो चुका है, फिर से इसी रेनडो वाले वीडियो पर टच करके थ्री लाइन पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट निकाल देना होगा और दोस्तों आप लोगों को करना क्या होगा, इसको इस प्रकार से आप लोगों को लास्ट में इस तरीके से जहाँ से कम है वहाँ पर लगा देना, ठीक है। लगाने के बाद अब दोस्तों आप लोग को इस प्रकार से थोड़ा सा दोनों उंगलियों को पकड़ के इस तरीके से जूम कर देना है और दोस्तों आप लोग कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर आ देना, ठीक है। 22.8 से 44 सेकेंड आने के जहाँ पर आप लोगों ने मूवमेंट में जाकर तीन नंबर वाली को क्लिपग्राफी को जो एड किया था वहाँ पर आ जाना है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और आप लोगों को यहाँ से एक इफेक्ट वीडियो को एड करना है। ओके, तो आप लोगों को दोस्तों इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। देख सकते दोस्तों यहाँ पर मैं जो है इस इफेक्ट वीडियो को एड कर दिया हूँ। एड हो जाने के बाद अब दोस्तों आप लोग इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इफेक्ट वीडियो एड हो जाने के बाद अब आप लोगों को इसको फुल स्क्रीन में इस तरीके से कर देना है और बैक देना नीचे ब्लेंडिंग में और दोस्तों ब्लेंडिंग में जाने के बाद इसको आप लोगों को स्क्रीन कर लेना, ठीक है। स्क्रीन होने के बाद आप लोग कुछ इस प्रकार से ऊपर जाइएगा स्पीड में और इसको आप लोग को थोड़ा सा इस प्रकार से कम कर देना, ठीक है। 1 से यानी कि 0.9 पे रखना है। रखने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को फोटो में कुछ इस तरीके के इफेक्ट आ जाएगा। आने के बाद एक और काम आप सभी को करना है, तो आप लोगों को इसके लिए वीडियो को स्टार्टिंग में जाना है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आप लोगों को एक टेम्पलेट वीडियो को एड करना है। ओके, तो चलो दोस्तों यहाँ से मैं टेम्पलेट वीडियो को एड कर देता हूँ, आप लोगों को इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। देख सकते टेम्पलेट को वीडियो को मैंने एड कर दिया हूँ। टेम्पलेट वीडियो एड हो जाने के बाद इसको भी आप लोगों को फुल स्क्रीन में कर देना है और ब्लेंडिंग में जाकर के आप लोगों को इसको भी इस तरीके से
स्क्रीन कर लेना। इतना करते हैं अब आप सभी के लिए आज का ये बरसात वाला स्पेशल वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो बहुत पसंद और अमेजिंग आया होगा। तो आप सभी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो जो भाई न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके अल्प सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो जब भी डालूंगा तो उस वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले सभी के मोबाइल में पहुँचेगा। चलो दोस्तों आज के लिए इतना।